देश भर का दौरा करना है, इसलिए ज्यादा समय हम नहीं लेंगे। यहाँ मंच पे हमारे साथ मुकेश सहनी जी हैं, मंच पर कांग्रेस पार्टी के, राष्ट्रीय जनता दल के, लेफ्ट पार्टी के, वीआईपी पार्टी के कार्यकर्ता हैं, नेता हैं। हमारे उम्मीदवार अजीत शर्मा जी हैं, कटिहार से उम्मीदवार हमारे तारिक साहब हैं और पूर्णिया से उम्मीदवार बीमा भारती जी है। इस बार जो दूसरा फेज का जो चुनाव होने जा रहा है, 5 सीटों पे होने जा रहा है, और इस बार हम दावे के साथ कह सकते कि 500 की 5 सीट हम लोग गठबंधन के लोग जीतने का काम करेंगे। और यही नहीं, कल चुनाव हुआ था, चारों सीट पर महागठबंधन और इंडिया लंच जीत रहा है। आप लोगों को बता दें कि आपकी हांडी बार बार नहीं चाहती है। ये जो मोदी जी का जो फिल्म है 400 पार का, पहला दिन ही पहले फेज में सुपर फ्लॉप हो गया है। अब इनका झूठ का पहाड़, जुमलों का पहाड़ बिहार की जनता ने दहा दिया है। इसलिए ज्यादा समय नहीं है, आप सब लोगों से यही अपील है, राहुल जी ने मुद्दे की बात कही है, पढ़ाई दवाई कमाई सिंचाई सुनवाई और कार्रवाई वाली सरकार देने के लिए कहा है। सबसे बड़ा हमारा दुश्मन बेरोजगारी है, हम लोग नौजवानों को नौकरी और रोजगार देने की बात कर रहे हैं, महंगाई खत्म करने की बात कर रहे हैं, लेकिन भाजपा के लोग नफरत फैलाने का काम कर रहे हैं, समाज को बांटने का काम कर रहे हैं। हम लोग कलम दे रहे हैं, वो लोग तलवार दे रहे हैं। आज तो फोटो ले रहा हूँ। एक बार राहुल गांधी जी को हाथ उठा करके आश्वस्त कीजिए कि भागलपुर, पूर्णिया, कटिहार, किशनगंज और बांका की सीट को आप लोग जिताइएगा। एक बार हाथ उठा करके सभी लोग आश्वस्त कीजिए, भागलपुर की जनता जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। वीआईपी पार्टी के संस्थापक अध्यक्ष भाई मुकेश सहनी जी से मैं आग्रह करता हूं कि वो आके इस चुनावी सभा को संबोधित करें। बहुत बहुत धन्यवाद मंच के अध्यक्ष महोदय। आज 140 करोड़ युवा देश के नागरिक के लिए गांव में, धूप में, छांव में घूम घूम कर उसके अधिकार की बात करने वाले ऐसे नेता हमारे आदरणीय राहुल गांधी जी, बिहार में लाखों युवा को नौकरी देने वाले ऐसे छोटे भाई तेजस्वी प्रसाद यादव जी, तारिक अनवर साहब, हमारे कांग्रेस पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष भाई अखिलेश जी, हमारे प्रत्याशी बीमा भारती जी और हमारे अजीत शर्मा जी जो भागलपुर के प्रत्याशी हैं बड़े भाई, आप सभी को शुभकामना देता हूं और बड़े संख्या में यहां उपस्थित हमारे नौजवान साथी सभी को सरना पाला मुकेश सहनी की ओर से नमस्कार प्रणाम। साथियों, ये सिर्फ चुनाव नहीं है, ये चुनाव जो है ये आजादी की लड़ाई है। जैसे आपके पूर्वज, हमारे पूर्वज ने इस देश को आजादी दिलाने के लिए संघर्ष किया, लड़ाई लड़ा, उसी तरीके से ये देश में ये जो चुनाव है ये आजादी दिलाने की चुनाव है। साथियों, ये चुनाव इसलिए आजादी दिलाने की है क्योंकि हमारे बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने जो हमें संविधान बना के दिया, जिसके कारण गरीब पिछड़ा दलित सभी लोगों को अधिकार मिला। आज इस समय में ऐसे सरकार आ गए हैं जिसको बदलने की बात कर रहे हैं। साथियों, इसलिए तमाम हमारे युवा साथी सभी से आग्रह है कि मजबूती से लड़ाई लड़िए, संघर्ष कीजिए और खास करके वीआईपी पार्टी के जितने भी यहाँ पे नेतागण है, जो हमारे कार्यकर्ता है, आप सभी से आग्रह है कि आपने हाथ में गंगा जल लेकर संकल्प लिया है कि अपने हक अधिकार के लिए, अपने आने वाले पीढ़ी के बच्चे के भविष्य के लिए हम संघर्ष करेंगे, तो ये समय आ चुका है 2024 में परिवर्तन लाने का। साथियों, आज देखिए हमारे देश के माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी 75 साल की उम्र हो गए
उसके बाद भी देश के लोगों से तीसरी बार मौका मांग रहे हैं। और एक तरफ हमारे पास योजना जो लाए अग्निवीर योजना, जिसमें 18 साल में आइए और 22 साल में रिटायर हो जाइए। आप बताइए, ये देश के गरीब युवा का सरकार है? ये सारी गरीब युवा सरकार नहीं है। ये युवा को रोजगार बेरोजगार रखने की सोच रहे हैं और अपने आप को 75 साल के बाद भी प्रधानमंत्री का चारा करे। इसलिए साथियों, पूरे देश में हवा बह चुका है। आपने कल देखा कि किस तरीके से चारों का चारों सीट पर मजबूती से हम लोग बिहार में जीत रहे हैं, और इसी तरीके से पूरे देश में मजबूती से हमारा इंडिया गठबंधन का सरकार बनना। आप लोग मजबूती से साथ रहिए, पूरे बिहार में हम लोग मजबूती से काम कर रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ तमाम यहाँ पे सभी साथी को, बहुत बहुत धन्यवाद। आशीन आदरणीय श्री राहुल गांधी जी, आदरणीय श्री तेजस्वी प्रसाद यादव जी, आदरणीय मुकेश सहनी जी, आदरणीय श्री मोहन प्रकाश जी, आदरणीय श्री अखिलेश प्रसाद सिंह जी, माननीय सांसदगण, माननीय विधायकगण, महागठबंधन के सभी माननीय जिला अध्यक्ष और सचिव सहित सभी महानुभावों का तथा उपस्थित जनसमूह का अन्य क्षेत्र भागलपुर में हार्दिक अभिनंदन और वंदन करता हूँ। आज हम लोग का भागलपुर का सौभाग्य है कि आदरणीय राहुल गांधी जी, तेजस्वी यादव जी, मुकेश सहनी जी हमारे अन्न धरती पर हमारे बीच में है। इसलिए मैं उसको स्वागत करता हूँ। आप लोग जो आज जनता हम आपसे आग्रह है, और आप बता रहे हैं कि जिस तरह से आप लोग आदरणीय अजय मंडल जी सांसद आपने चुना, विकास की बात को छोड़िए, वो किसी गांव किसी पंचायत में वो घूमने मिलने तक नहीं गए। मैं आपको वादा करता हूँ, आप अगर जात की जीत होती है और विकास की जीत होगी, अगर मेरी जीत होती है तो आपसे पूछ के, चाहे कोई भी हो, मुखिया सरपंच जो भी प्रति से पूछ कर काम करेंगे, उनसे मिलने काम करेंगे, चाहे वो हवाई सेवा प्रारंभ करना हो, चाहे भागलपुर में एम्स की स्थापना करना हो, सरकारी कर्मियों के लिए ओल्ड पेंशन सिस्टम पूरा प्रारंभ कराना हो, भागलपुर में राष्ट्रीय स्तर का IT हब बनाना हो, भागलपुर के शिल्प उद्योग को विश्व के मानचित्र पर स्थापित करना है, भागलपुर और औद्योगिक नगर घोषित कराना, पंचायत प्रतिनिधियों से छीनी गई शक्तियों को वापस दिलाना है, विक्रमशिला विश्वविद्यालय का नालंदा की तर्ज पर विकास कराना है, भोलानाथपुर का काम शुरू हो गया है, आप जानते हैं समानांतरपुर मैंने उसको बनवाने का काम किया है। आप याद रखिएगा, आप केंद्र की छलने वाली सरकार न युवाओं को रोजगार दे रही है न गरीबों को सहारा, यह सरकार सीनियर सिटीजन से गरीबों से छीन कर उद्योगपतियों को लाखों करोड़ का पैकेज देती है। मैं उपस्थित जन समुदाय को यह आश्वस्त करना चाहता हूँ, मैं सांसद बनने पर सम्मान के साथ विकास करूंगा और आपकी आवाज बनकर भागलपुर के क्षेत्र की तमाम समस्याओं को आवाज उठाकर चलाने का काम करूंगा। और फिर से जो आज अभी हमारे नेता जब जन्मदिन का है, फिर दिल की गहराई से अपनी तरफ से पूरे भागलपुर लोकसभा की जनता की तरफ से उनका हम दिल से हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करते हैं। जय हिंद, जय।